प्रेडिस प्रिया है, वेलकम बैक टू ऑलवेज प्रेटी यूजफुल। तो इस आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं आपको कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए और मैं कौन सा फॉर्म यूज करना प्रेफर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इस यहाँ पे मेरे पास ये टोटल चार टाइप की कॉम है, आप देख सकते हो। ये वाला थोड़ा सा गंदा है, प्लीज उसके लिए बेयर करना कि मैंने वॉश किया है नहीं। जो चार कॉम है उन्हें कब कब यूज करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आपको कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगी आपके साथ। सो सबसे पहले रेगुलर वाला कॉम हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले कॉम से, क्योंकि ये वाले कॉम जो होते हैं हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, इन्हें रेगुलर कॉम बोल देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहे तो वुडन कॉम भी यूज कर सकते हो। इन सभी टाइप के अंदर आपको वुडन कॉम मिलते हैं, मतलब जो भी मैंने आपको शेयर, इन सबके अंदर वुडन कॉम मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छे होते हैं हेयर के लिए। बट मैंने कभी यूज नहीं किया है और मेरे पास जो है मैं उनके साथ ये वीडियो कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है रेगुलर वाला कॉम। ये वाला जो कॉम है यूजुअली अगर आपके बाल छोटे हैं, मतलब छोटे मतलब बहुत ही छोटे, मतलब इतने इतने से बाल है, तो आप ये वाला कॉम यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा लंबे अगर आपके बाल हुए तो आप ये वाला डेली बेसिस पे यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सके तो ये वाला साइड यूज कर सकते हैं ऐसे, बट ये वाला साइड तभी यूज कीजिएगा जब आपके बाल पूरी तरीके से टैंगल्स फ्री है, मतलब पूरी बालों में एक भी टैंगल नहीं है, तब आप यूज कर सकते हो। सो मैं तो इस कॉम का यूज तभी करती हूँ जब मेरे सारे बाल डिटैंगल हो चुके होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये वाला कॉम तभी यूज करना चाहिए जब आपके बाल पूरी तरीके से डिटैंगल है। अभी जब हम ये ऐसा वाला कॉम यूज करके टैंगल्स रिमूव करते हैं ना, तब हमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हमने कॉम भी किया है। ऐसे कॉम से आप बाल कॉम करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है स्कैल्प के ऊपर। ये मुझे हमेशा ऐसा फील होता है, आपको फील होता है कि नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। सो यहाँ पे ये एरिया में बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है, तो जब मैं ये वाला कॉम यूज करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कॉम किया है, या फिर ऐसे थोड़ा सा भी बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि यार मैंने कॉम किया है। बट ये रेगुलर वाला कॉम जब मैं यूज करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छे से फ्रिक्शन होता है हमारे स्कैल्प एंड इसके बच में, मतलब ये वाला टच होता है स्कैल्प को अच्छे से, एंड एक सुकून सा मिलता है कि यार हमने कॉम किया है। सो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप ये तभी यूज कीजिए जब आपके बाल, अगर सपोज आपके बाल बहुत छोटे छोटे हैं या फिर आपके बाल टैंगल्स फ्री है, एंड टैंगल्स रिमूव होने के बाद सपोज आपको एक स्लीक ऐसा कुछ पोनीटेल डालना है, या फिर स्लीक से हेयरस्टाइल चाहिए, या फिर एक नीट एंड क्लीन हेयरस्टाइल चाहिए। सो बात करते हैं इस कॉम के बारे में। तो ये है वाइड टूथ कॉम। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए वाइड स्पेस है, इसलिए इसे वाइड टूथ कॉम इसे बोला जाता है। तो या फिर आप शैम्पू कॉम भी बोल सकते हो, या फिर डिटैंगलर भी बोल सकते हो। तो ये वाला कॉम आप तभी यूज कीजिए जब आपके बालों में टैंगल्स हो, या फिर यूजुअली भी जब आप सपोज अभी मेरे बाल वॉश्ड है, मैंने कल ये किया था, मतलब कॉम किया था, उसके बाद में मैंने हेयर कॉम किया ही नहीं, तो अभी भी मैंने हेयर कॉम नहीं किया है, बस ऐसे बैठे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी आपको दिखाना है। सो जब आप यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे टैंगल्स नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा है, तो यहाँ पे ये कॉम स्लाइड नहीं हो रहा है नीचे, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अच्छे से बाल ऐसे थोड़ा सा ऊपर होल्ड करके नीचे से ऐसे थोड़ा सा कॉम करना है। अगर मैं ये वाला कॉम यूज करती हूँ डायरेक्टली बाल कॉम करने के लिए भी, तो मतलब एक हद दो बाल गिरते हैं, क्योंकि कभी तो कहीं पे तो छोटा सा कुछ टैंगल होता है, उसकी वजह से वो अटक जाता है एंड बाल टूटते हैं। तो हमें बाल टूटना नहीं है बिल्कुल भी, तो रिस्क नहीं लेना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कॉम करना है, तब पहले ये वाला कॉम यूज कीजिए, उसके बाद टैंगल्स रिमूव करने के बाद ये वाला कॉम यूज कीजिए। तो ये वाला कॉम टैंगल्स रिमूव करने के लिए ही है स्पेशली, या फिर अगर आपको बहुत मैसी सा हेयर स्टाइल क्रिएट करना है, या फिर मैसी से ओपन बाल रखने हैं बट वॉल्यूम दिखाना है हेयर के अंदर, तो आप ये ऐसे कर सकते हो, बस ऐसे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, टैंगल्स रिमूव करने के बाद आप ये कर सकते हो, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा एंड अच्छी भी लगेगी बाल। तो हमें देख सकते हैं, ये अगर आपको बहुत ही स्लीक सा हेयरस्टाइल चाहिए तो आप ये वाला कॉम यूज कर सकते हो। तो हो गई बात इन दोनों के बारे में, एंड अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कॉम। तो ये वाला जो कॉम है ये थोड़ा सा डर्टी है, मैं आपको प्लीज आप इसके अंदर का डर्ट मत देखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो देखिएगा। सपोज आपके बाल छोटे से है, कभी कभी क्या होता है वो आउट कर्ल्स मिलते हैं उनको, तो कभी कभी छोटे बालों के अंदर आप ये ऐसे उनको इनवर्ट कर्ल्स दे सकते हो। बस रेगुलर कॉम करते करते ही आप उन्हें ऐसे ऐसे घुमा सकते हो अंदर की तरफ, ताकि उन्हें एक अच्छा सा मतलब इन्वर्ट कर्ल मिले, नेचुरल कर्ल मिले। तो इसके अलावा इसका यूज मैं तो हमेशा करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड यूज करते थे एंड बहुत दिनों से हमने इसे यूज नहीं किया है। तो स्पेशली ये वाला कॉम आप ऐसे भी कॉम कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कॉम कर सकते हो, बट स्पेशली ये अगर आपको इनवर्ड कर्ल देना है या फिर आउटवर्ड भी कर्ल देना है, सपोज आपके कुछ फ्लिक्स है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे आप आउटवर्ड कर्ल देना है, तो आप ये ऐसे कर सकते हो। ये इसका कुछ ज्यादा ऐसा बेनिफिट नहीं है, तो आप चाहे तो इसके अलावा ये वाला कॉम यूज कर सकते हो। अभी ये वाला कॉम जो है बहुत मतलब यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि अभी यही कॉम मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बहुत अच्छा फील होता है कॉम करने के बाद। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसके जो ब्रिस्टल्स है
यहाँ पे छोटे छोटे ऊपर ऐसे डॉट उन्हें दिए हैं एंड अंदर कुशन है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से बाल कोम होता है एंड टैंगल्स भी साथ ही साथ मतलब जो है वो निकल जाते हैं, डिटैंगल हो जाते हैं हमारे बाल। इससे एक्चुअली पैडल ब्रश बोला जाता है, बट ये मिनी पैडल ब्रश आप बोल सकते हो, पैडल ब्रश थोड़ा सा बड़ा सा होता है तो या फिर फ्लैट ब्रश भी बोल सकते हो। तो ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कोम। एक तो ये इसके इसके जो ब्रिस्टल्स है वो ज़्यादा चुभते नहीं है, फिर जब आप कोम करते हो तो एक ही साथ बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड बहुत स्मूथली कोम हो जाते हैं आपके बाल। आपको अलग से टैंगल्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स है तो आपको ये वाला कोम यूज़ करना है। बट रेगुलर बेसिस पे मतलब डेली हमारे बालों में इतने टैंगल्स नहीं होते तो आप ये ऐसा सिंपली कर सकते हैं। अभी ऐसे कोम करने से अच्छा है कि आप ये थोड़ा सा बैकवर्ड लेके ऐसे कोम करो ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छे से वॉल्यूम आ जाए आपके बालों के अंदर। अभी आप देख सकते हो अगर आप ऐसे कोम कर दो तो ऐसे फ्लैट हो जाते बाल, तो ऐसे हम वॉल्यूम दे सकते हैं हमारे बालों को। तो वॉल्यूम बाद में देंगे, पहले टैंगल्स रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये ऐसे स्लाइड करना है। बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होता कि आप बाल कोम भी कर रहे हो, मतलब बिल्कुल बाल दर्द नहीं करते हैं एंड बहुत स्मूथली ऐसे कोम हो जाता है। तो ये है आज का हीरो प्रोडक्ट, मतलब ये है हीरोइन हम बोल सकते हैं। सो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है बालों के ऊपर। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, आपको ये ऐसा वाला पैडल ब्रश लेना है, ऑनलाइन ले लो या फिर ऑफलाइन ले लो। आप चाहे तो लिंक मैं दे दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप परचेस कर लेना या फिर ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे आपको करना, अगर सपोज टैंगल्स है कहीं पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे टैंगल्स लग रहे हैं मेरे को, तो मैंने ऐसे बाल ऐसे ऊपर की तरफ पकड़े, ऐसा नहीं किया ताकि स्काल्प को जर्क ना बैठे। सो ये ऐसे ऊपर पकड़ के आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हो। मामा ऐप कीप कर। ओके गोड़ बाबू। सो जैसे आप देख रहे हो अगर आप ऐसे बाल को करते हो ना, अभी ये वाले साइड में उतने ज़्यादा टैंगल्स नहीं थे, सो बट फिर भी आप देख सकते हो बहुत आराम से बहुत स्मूथली ऐसे कोम हो जाता है और बहुत मतलब कन्वीनियंटली आप ये इससे बाल कोम कर सकते हो। सो आपने देख लिया कितनी आसानी से हम ये कोम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इन चारों में से आपको ये वाला कोम डेली बेसिस पे यूज करना बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए, आपके स्काल्प के लिए एंड आपके एक जो होता है ना मेंटल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इससे ना एक अच्छे से मसाज भी प्रोवाइड हो जाता है स्काल्प को, क्योंकि यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे डॉट्स होने दिए हैं, आई होप आप देख सकते हो। सो तो ये तो है वेगा कंपनी का, तो बहुत सारे और भी कोम ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, मैं जो भी पॉसिबल है लिंक्स दे दूंगी या फिर इसी कोम की चाहिए तो इसी की दे दूंगी। 150-170 का कुछ ब्रश है ये, तो हेयर ब्रश बहुत स्मूथली हो जाता है, या फिर आप ये ऐसे फोल्डेबल ब्रश आते हैं आप पर्स में कैरी कर सकते हो, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है वो भी ब्रश है, बट वो अच्छे ब्रांड से ऐसे कुछ नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिया है। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, यूजफुल रहा हो। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, ऑलवेज वीडियो यूजफुल इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, वहाँ पे फॉलो करना एंड कमेंट करके मुझे बताना आज का वीडियो कैसा लगा एंड आगे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।